तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना राजा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी फॉर स्टूडेंट एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली सभी वीडियो के लिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ हैव। हैज हैव का मतलब होता है पास। इन साधारण वाक्य में पास शब्द पूरे वाक्य में कहीं पर भी आए तो वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये सभी वाक्य वर्तमान स्थिति को बताते हैं। तो हैज हैव का प्रयोग देखेंगे तो सबसे पहले हैज का प्रयोग देखेंगे तो यूज ऑफ हैज सिंगुलर मतलब एक वचन, ही सी इट दिस दैट नेम ETC मतलब इत्यादि। किसी भी वाक्य में ही सी इट से शुरू होता है तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं। एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हैव का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ हैव। तो प्लूरल मतलब आई वी यू दे मतलब आई मैं वी मतलब हम यू मतलब प्लूरल। किसी भी प्लूरल के साथ अपन हैव का प्रयोग लगाते हैं जब जब वाक्य में पास आए तब। तो हैज हैव का प्रयोग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर मतलब एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम आगे के वाक्य को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। मतलब इस सूत्र के आधार पर आप किसी भी शब्द किसी भी वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल मतलब हिंदी का उदाहरण होता है। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज ए वॉच मतलब ही मतलब होता है वह या उसके, हैज मतलब होता है पास, ए मतलब एक, वॉच मतलब होता है घड़ी। इस प्रकार ही हैज ए वॉच। लास्ट में आपको डॉट मतलब फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य होता है, ये इंग्लिश का एक रूल्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, रोहन पास मोबाइल है तो रोहन हैज ए मोबाइल। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, रानी के पास पैसा है तो रानी हैव मनी। ए एस क्यों लगाया रानी के बाद, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस है, क्योंकि किसी भी नाम के साथ काकी के आए तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लगता है, तो रानी हैव मनी। उसके बाद देखेंगे हैव का प्रयोग, मेरे पास कंप्यूटर है तो आई हैव ए कंप्यूटर मतलब आई मतलब मेरे या मैं, तो हैव मतलब होता पास, ए मतलब होता ए कंप्यूटर। इसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जांपल, मेरे पास एक बैल है तो आई हैव एन ऑक्स। देखिए तीसरा एग्जांपल, हम लोगों के पास एक मकान है तो वी हैव ए हाउस, हाउस मतलब होता मकान। इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं और हिंदी में 52 वर्ड्स, इसलिए आप बेझिझक किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एवं कहीं भी वीडियो में आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसी प्रकार का कुछ एग्जांपल एवं जिस भी वीडियो चाहिए मैं आपको बना दूँ। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। बने रहे हमारे चैनल पर स्टडी फॉर स्टूडेंट। लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।